आसला बर्तमान समय एक चांचल्यकर रिपोर्ट नक्सल हमलें तीन सीआरपीएफ जवान शहीद हेले आसतु जाणी संपूर्ण घटनाटी कौन रही तेरे भिडटी को आरंभ करने पूर्व सब्सक्राइब ओडिया न्यूज दुनिया को पाखे आसुवा बेल आइकन टी प्रेस करनी तेरे नक्सल हमलें शहीद होती तीन सीआरपीएफ जवान नुआपड़ा जिला बोडेन ब्लक पाटधरा संरक्षित जंगल में मंगलवार हमला जवान माने गोटे क्यांप्रु अन्य क्यांप को जवा बेले होइथिला हमला शहीद जवान माने हेरे शिशुपाल सिंह शिवलाल सिंह और धर्मेन्द्र कुमार सिंह आउ किछि जवान गुरुतर आहत होइछंती सेमानकु स्थानीय मेडिकल रे भर्ती करा जाइथिबा जणा पड़िछि। खबर सामना को आसीबा बेळकु घटनास्थल रे गुळी विनिमय चलिथिबा सूचना मिलिछि। दक्षिणांचल डीआईजी राजेश पंडित और नुआपड़ा एसपी घटनास्थल में पहुंचार सूचना मिली। बोडेन थाना पाटधरार सीआरपीएफ एक नुआ क्यांप प्रतिष्ठा करा नक्सल माने विरोध करुथिले। क्यांप उठाई नेबापी नक्सल माने बैनर और पोस्टर मारी दाबी कर जवान माने वईसादानी पाटधरा क्यांप को जाते समय नक्सल माने करिथिले हमला यार कड़ा जवाब देते सीआरपीएफ जवान तेज यार तीन जवान होती शहीद शहीद शिशुपाल सिंह घर उत्तर प्रदेश आलीगढ़ लालगरी गाँव में 49 वर्ष होता शिवलाल घर हरियाणा महेन्द्रगढ़ जिलार पाइगा गाँव में धर्मेन्द्र कुमार सिंह घर बिहार रोहतास जिला सराया गाँव में शहीद होता तीन सीआरपीएफ जवान परिवार ओडिशा सरकार सहायता घोषणा कर प्रति शहीद परिवार को राज्य सरकार 20 लाख टंका सहायता करिबार घोषणा करछन्ती। ते वर्तमान समय एक बड़ चांचल्यकर रिपोर्ट आसी नक्सल हमलें शहीद होती तीन जन जवान तेज आपणकर मतामत यह कौन रही निहती कमेंट मध्यम जनातु वीडियो को लाइक शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ ओडिया न्यूज दुनिया को मोर नमस्कार।